नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि के जातकों के लिए आने वाले मार्च महीने का मासिक राशि फल की। लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी मासिक राशि फल की चर्चा हो जाए ग्रहों के राशि परिवर्तन की नक्षत्र उपनक्षत्रों के ऊपर आधारित रहती है, क्योंकि बिना नक्षत्र उपनक्षत्र को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा दोस्तों नहीं की जा सकती। दूसरी बात, हमारी पूरी की पूरी चर्चा जो होती है ये चाहे मासिक राशि फल की हो या फिर ग्रहों की राशि परिवर्तन की, लग्न राशि के ऊपर आधारित रहती है, ना कि चंद्र राशि के ऊपर। लेकिन जैसे कि आज हम धनु लग्न वालों की बात करने जा रहे हैं, यदि आपके लग्न भाव में जाने के पहले भाव में जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ वहीं पर चंद्रमा विराजमान है, तो यह चर्चा आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मार्च महीने में धनु राशि वालों के चार्ट में ग्रहों का गोचर क्या कहता है। मार्च के महीने में आपके लग्नेश फोर्थ सुख भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति फोर्थ सुख भाव में अपनी मीन राशि में शुक्र सूर्य बुध के साथ गोचर करते हुए मार्च के पूरे महीने बुध के नक्षत्र बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल और राहु के उपनक्षत्र पर रहेंगे। यानी कि आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति मार्च के महीने में, जैसे कि हमने कहा कि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल और राहु इनके उपनक्षत्र से गुजरेंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लग्नेश जो है मार्च के महीने में अपना जो परिणाम देना, अपना जो रिजल्ट देना, उनमें बड़ी तेजी से बदलाव करते नजर आएंगे आपको। इसके बाद आपके सेकंड धन और परिवार भाव के स्वामी थर्ड हिम्मत साहस पराक्रम आदि के भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि 6 मार्च तक दोस्त रहेंगे। और मार्च में थर्ड भाव में अपनी कुंभ राशि में गोचर करते हुए 13 मार्च तक मंगल के दिनेश नक्षत्र से और सूर्य चंद्र के उपनक्षत्र से गुजरेंगे। 15 मार्च महीने के आखिर तक शनि जो है राहु के नक्षत्र और उपनक्षत्र पर रहेंगे। इसके बाद आपके चार्ट में फिफ्थ संतान कला मनोरंजन प्यार स्टॉक मार्केट आदि भाव के स्वामी और ट्वेल्थ खर्च और विदेश आदि के भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि 13 मार्च तक आपके सिक्त रोग शत्रु कर्ज आदि के भाव में वृषभ राशि में गोचर करते हुए अपने खुद के नक्षत्र पर रहेंगे। 13 मार्च से मंगल राशि परिवर्तन करते हुए आपके सेवंथ भाव में बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और महीने के आखिर तक अपने खुद और राहु के नक्षत्र से गुजरेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपके चार्ट में सिक्स और 11th लाभ भाव के स्वामी बुध शुक्र बनते हैं, जो कि फोर्थ सुख भाव में अपनी उच्च की मीन राशि में गुरु के साथ गोचर करते हुए 12 मार्च तक शनि बुध के नक्षत्र पर रहेंगे। 12 मार्च को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करते हुए मेष राशि में, यानी कि आपके फिफ्थ भाव में और राहु के साथ ज्योति योग करते हुए 31 मार्च तक केतु और खुद के नक्षत्र से गुजरेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपके चार्ट में सेवंथ और 10th कर्म भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि मार्च के पूरे महीने अस्तव्यस्त में रहेंगे और महीने के शुरू से लेकर 16 मार्च तक थर्ड भाव में शनि के कुंभ राशि में शनि और सूर्य के साथ गोचर करते हुए मंगल राहु और गुरु के नक्षत्र से गुजरेंगे। 16 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करते हुए फोर्थ सुख भाव में अपनी नीच की मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य और गुरु के साथ गोचर करते हुए 31 मार्च तक गुरु शनि और खुद के नक्षत्र से गुजरेंगे। इसके बाद आपके एर्थ भाव के स्वामी चंद्र बनते हैं, 9th भाव के स्वामी भाग्य भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि 15 मार्च तक थर्ड भाव में शनि के कुंभ राशि में शनि बुध के साथ गोचर करते हुए राहु और गुरु के नक्षत्र से गुजरेंगे। 15 मार्च को दोस्तों सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए फोर्थ सुख भाव में गुरु की मीन राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु और बुध के साथ गोचर करते हुए गुरु और शनि के नक्षत्र से गुजरेंगे। बात करें राहु महाराज की, तो मार्च महीने में राहु आपके फिफ्थ भाव में मंगल की मेष राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना केतु के नक्षत्र बुध शनि के उपनक्षत्र से गुजरेंगे। लास्ट में बात करें केतु की, तो केतु 11th लाभ भाव में शुक्र की तुला राशि में गोचर करते हुए राहु के नक्षत्र बुध शनि के उपनक्षत्र से गुजरेंगे। यानी कि राहु केतु मार्च के महीने में दोनों एक दूसरे के नक्षत्र पर होंगे, बुध और शनि के उपनक्षत्र पर होंगे। तो चलिए जानते हैं मार्च का महीना धनु राशि वालों की हेल्थ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रह सकता है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी का केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसी के साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी हुआ तो दिए हुए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। मार्च के महीने में धनु राशि के जो जातक हैं उनकी हेल्थ कैसी रह सकती है। हेल्थ के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो धनु राशि वालों की जो हेल्थ है मार्च के महीने में वो अच्छे ही रहने वाली है, क्योंकि आपके लग्नेश गुरु जो है फोर्थ केंद्र भाव में अपनी खुद की मीन राशि में गोचर करते हुए मार्च के महीने में अस्त बुध के नक्षत्र पर रहेंगे। बुध सेवंथ भाव का मार्क और बाधक भाव का स्वामी बनता है और खुद बुध 16 मार्च तक थर्ड भाव में सूर्य शनि के साथ गोचर करेंगे। थर्ड भाव में शनि सूर्य बुध की उपस्थिति धनु राशि के जातकों को अधिक साहसी और केंद्रित बना सकती है। लेकिन धनु राशि के जिन जातकों को मंगल या शनि से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, इन दोनों में से किसी एक की या दोनों की स्थिति यदि आपके चार्ट में अच्छी नहीं है तो खासकर आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 13 मार्च तक मंगल सिक्स्थ रोग भाव में गोचर करते हुए अपने खुद के नक्षत्र पर रहेंगे और शनि मंगल सूर्य की दृष्टि 9th भाव पर रहेगी। लॉन्ग जर्नी का भाव है और शनि मंगल की दृष्टि 12th भाव पर भी रहेगी और 15 मार्च तक शनि द्वारा मंगल के नक्षत्र पर रहने से यात्रा करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मार्च महीने में कोई चोट इत्यादि लगने की आशंका बन रही है। दोस्तों, बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में।
आपके सेकंड प्रवार भाव के स्वामी शनि द्वारा मार्च महीने में थर्ड भाव में अपनी कुंभ राशि में गोचर करने से और फोर्थ सुख भाव में गुरु द्वारा बुध के नक्षत्र पर गोचर करते हुए शुक्र के साथ ज्योति योग में रहने से आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन यदि शनि पर ध्यान दें तो 15 मार्च तक शनि मंगल के नक्षत्र पर रहेगा और खुद मंगल 13 मार्च तक सिक्स्थ भाव में अपने खुद के नक्षत्र पर और 13 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन करते हुए सेवंथ भाव में गोचर करते हुए सेकंड परिवार भाव को दृष्ट करेगा, जिसकी वजह से इस दौरान आपके बात करने का तरीका तो स्पष्ट होगा लेकिन कुछ ऐसा होगा जो लोगों को कड़वा लग सकता है, क्योंकि आप मीठी बातें ना करते हुए स्पष्ट और लगती हुई बातें कर सकते हैं जो सामने वाले को चुभ सकती है। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन यदि आप अपनी इस कमी को कंट्रोल में रखेंगे तो पारिवारिक लोग एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन में बंधे हुए नजर आएंगे और घर का माहौल जो है पॉजिटिव रहेगा। 13 मार्च तक नाइन्थ भाग्य भाव का स्वामी सूर्य थर्ड भाव में गोचर करते हुए शनि से ज्योति योग करेगा और इस दौरान सूर्य शनि सूर्य और चंद्र के उपनक्षत्र पर भी गुजरेगा, जिसकी वजह से परिवारजनों और छोटे भाई बहनों के बीच कम्युनिकेशन जो गैप है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि रिश्तों को लेकर सावधान रहें। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से मार्च का महीना धनु राशि वालों के लिए मिला जुला रह सकता है। दोस्तों बात करेंगे आपकी लव लाइफ और शादीशुदा जीवन के बारे में। मार्च महीने में शुक्र द्वारा फोर्थ और फिफ्थ भाव में गोचर करने के कारण प्रेम और आकर्षण का भाव तो रहेगा, लेकिन 15 मार्च तक सूर्य शनि की युति लव लाइफ और शादीशुदा जीवन में जहां प्रेम और सहयोग के आकर्षण को कम कर सकती है, वहीं आपके फिफ्थ प्यार और संतान भाव में राहु मेष राशि में गोचर करते हुए केतु के नक्षत्र पर रहेगा। राहु और केतु जिस राशि और नक्षत्र पर होते हैं उनका रिजल्ट देते हैं, यानी कि राहु का राशि स्वामी मंगल 13 मार्च तक सिक्स्थ भाव में गोचर करेगा और केतु का राशि स्वामी शुक्र 12 मार्च तक फोर्थ भाव में अपनी ही उच्च की मीन राशि में फोर्थ भाव फिफ्थ भाव से टल भाव बनता है, जिसके कारण आपके बीच कुछ ना कुछ कहा सुनी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है टूटने के कगार पर पहुंच सकता है। 15 मार्च शनि सूर्य की युति के अलावा सेवंथ भाव का स्वामी बुध जहां मार्च महीने में अस्त रहेगा, वहीं 13 मार्च से महीने के अंत तक मंगल सेवंथ भाव में गोचर करने से आपके रिश्ते में समस्याएं शादीशुदा जीवन में खड़ी हो सकती हैं, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। कुल मिलाकर लव रिलेशन और शादीशुदा जीवन के लिए मार्च का महीना मिला जुला दोस्तों रह सकता है। बात करेंगे आपके कैरियर की। मार्च महीने में जहां आपके लग्नेश देव गुरु बृहस्पति पूरा महीना फोर्थ भाव में अपनी मीन राशि में सेवंथ और टेंथ भाव के स्वामी बुध के नक्षत्र पर गोचर करते हुए टेंथ भाव को दृष्ट करेंगे, वहीं सिक्स्थ और इलेवंथ लाभ भाव के स्वामी शुक्र भी 12 मार्च तक फोर्थ भाव से टेंथ भाव को दृष्ट करेंगे, जिसकी वजह से काम काज में शुभ स्थितियों का निर्माण होगा और आप अपनी मेहनत का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे। आपके काम में बरकत होगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, आपसे महत्वपूर्ण कामों के लिए लोग सलाह लेने भी आएंगे और आपको अपनी कार्यकुशलता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। आप खूब मेहनत करेंगे और जी जान लगाकर अपने काम को बहुत सही समय पर और सही तरीके से निपटाने में कामयाब हो सकते हैं। 15 मार्च को भाग्य के स्वामी सूर्य 16 मार्च से बुध भी फोर्थ भाव में अपना गोचर करते हुए टेंथ भाव को दृष्ट करते हुए कैरियर में काफ़ी अच्छी अनुकूलता आपको प्रदान करेंगे और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। मंगल का सिक्स्थ भाव में गोचर आपके पेशेवर कार्यों में तरक्की लेकर आएगा, साथ ही आपके लिए प्रमोशन के भी योग बनेंगे। इसके अलावा आपकी नौकरी के लिए मौके आपको मिलेंगे अच्छी नौकरी के और ऐसे मौके आपके कैरियर के लिए फलदायी साबित होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो इस महीने आपको व्यापार के सिलसिले में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके संबंध बड़े सरकारी अधिकारियों से अच्छे रहेंगे और वह इस महीने आपकी काफ़ी मदद करते हुए नजर आएंगे। उनकी वजह से आप बाजार में अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। जो लोग सरकारी कामकाज करते हैं वह इस दौरान कोई सरकारी टेंडर या कोई ठेका आदि प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं, जिसमें आपको बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। आपका व्यापार मार्च के महीने में उन्नति करेगा। शेयर मार्केट से जुड़कर काम करने वालों को इस महीने एवरेज से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि राहु फिफ्थ भाव में मंगल की मेष राशि में गोचर करते हुए केतु के नक्षत्र बुध शनि के उपनक्षत्र पर रहेंगे। अब देखिए 13 मार्च तक मंगल सिक्स्थ भाव में रहेगा, जो कि सामने वाले के नुकसान का भाव है। केतु 11th लाभ भाव में शुक्र की तुला राशि में और 12 मार्च से शुक्र जो है 6th और 11th भाव का स्वामी होकर महीने के अंत तक राहु के साथ ही 5th भाव में रहने से और शनि 2nd धन भाव का स्वामी बुध 10th कर्म भाव का स्वामी होने से मार्च महीने में ये लोग मतलब जो शेयर मार्केट से जुड़कर काम करते हैं अच्छा मुनाफा बुक करने में कामयाब हो सकते हैं। वही जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी मार्च का महीना जो है काफ़ी अनुकूल सिद्ध होने वाला है। धनु राशि के जिन लोगों ने किसी भी तरह का कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो मार्च महीने में वह लोन आपका दोस्तों अप्रूव होने जा रहा है। कुल मिलाकर कैरियर के दृष्टिकोण से मार्च का महीना धनु राशि के लोगों के लिए विशेष शुभ फलदायी सिद्ध होने
वाला है दोस्तों। बात करेंगे आपके आर्थिक पक्ष की। आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपके सेकंड धन भाव के स्वामी शनि थर्ड भाव में अपनी कुंभ राशि में गोचर करते हुए 15 मार्च तक मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर होगा। मंगल जो है 13 मार्च तक आपके सिक्स्थ भाव में गोचर करते हुए आपको आर्थिक तंगी से निजात दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। इस समय आपको अच्छा खासा धन लाभ होने की संभावना बनेगी। साथ ही 11th भाव में केतु गोचर करते हुए पूरा महीना राहु के नक्षत्र बुध शनि के उपनक्षत्र पर रहेंगे। राहु मंगल की राशि में होने से मंगल का रिजल्ट भी देगा जो कि 13 मार्च तक सिक्स्थ भाव में रहेगा और उसके बाद बुध जो है 7th और 10th भाव के स्वामी होकर 3rd और 4th भाव में गोचर करेंगे और शनि धन लाभ भाव के स्वामी धन भाव के स्वामी होंगे। 3rd भाव में होने से आपको अच्छे धन लाभ का जो है संकेत ग्रहों को जो ये गोचरीय स्थिति बन रही है दे रहे हैं। जो लोग सट्टा बाजार जैसे कि हमने बात की शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट आदि से जुड़े हुए हैं उन्हें इस महीने अचानक से अच्छा जो है रिटर्न जो है मिल सकता है क्योंकि राहु पांचवें भाव में स्थित है। हम बात कर ही चुके हैं आप में से कुछ लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से भी अच्छा लाभ कमाने का इस जो मंथ है मार्च का मौका मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है और इस महीने व्यापार से अच्छा मुनाफा होने से भी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा दोस्तों। यदि आप नौकरी करते हैं 12 मार्च के बाद आपको कुछ बड़ा लाभ मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ मार्च के पूरे महीने गुरु शनि की दृष्टि और 13 मार्च तक मंगल की दृष्टि जो है 12th भाव पर रहने से जहां शुभ कामों पर आपके खर्चे भी देखे जा सकते हैं वहीं इस महीने आप अपने शौक को पूरा करने के लिए भी खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से भी मार्च का महीना धनु राशि के जातकों के लिए काफी शुभ फल देने वाला सिद्ध हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी धनु राशि के जातकों के बारे में आने वाले मार्च महीने के मार्च मासिक राशिफल। यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।